हेलो फ्रेंड्स, आप IAS यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। टारगेट UPSC प्रीलिम्स 2021 के अंतर्गत ये हमारे डिस्कशन में अक्टूबर महीने का चौथा डिस्कशन वीडियो है। फ्रेंड्स, आज से नवरात्र शुरू हो रही है। आपको, आपके समस्त परिवार को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा माँ आप सबों की इच्छाओं को पूरी करे। फ्रेंड्स, ये अक्टूबर महीने का हमारा चौथा डिस्कशन वीडियो है। मेहनत करते रहिए, हम जरूर जीतेंगे। हमारे डिस्कशन का पहला टॉपिक एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, ये क्या होता है? जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, लोगों के लिए चिंता का विषय होता जा रहा है। इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए इस बार दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए, प्रदूषण के स्तर को देखने के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस, इस तकनीक का उपयोग करके प्रदूषण को मापने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, इस तकनीक का विकास इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा फिनलैंड के मौसम विज्ञान संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। ऐसा नहीं है कि इस तकनीक का उपयोग सिर्फ प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी शहर में वायु की गुणवत्ता क्या है उसको मापने के लिए, सड़क नेटवर्क, भवन, भूमि इत्यादि का कैसे उपयोग किया जा रहा है उन सबको देखने के लिए, अंतरिक्ष से तस्वीर ली जाती है, हाई रेजोल्यूशन का उपयोग किया जाता है और सही सही डाटा उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, आप इसे याद रखेंगे। ये जो आंकड़े उपलब्ध कराता है वो देखने में कुछ इस प्रकार के होती हैं, तो इसे आप देख सकते हैं। हम चलते हैं आगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा टॉपिक न्यू सेफर्ड रॉकेट प्रणाली से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, ये क्या है न्यू सेफर्ड रॉकेट प्रणाली? वह दिन दूर नहीं है जब आप सुनेंगे कि लोग मसूरी या फिर ऊटी घूमने के लिए नहीं जा रहा है, लोग घूमने के लिए अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। तो इसी दिशा में कार्य करते हुए अमेजन, जो आप साइट जानते हैं जहां से आपने बहुत सारे उत्पादों को खरीदा भी होगा, तो उसी के संस्थापक यानी कि अमेजन के जो संस्थापक है जेफ बेजोस, इनके द्वारा ही एक अन्य अंतरिक्ष कंपनी की स्थापना की गई जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। इस अंतरिक्ष कंपनी ने एक रॉकेट प्रणाली विकसित की है और उसी रॉकेट प्रणाली का नाम है न्यू सेफर्ड रॉकेट प्रणाली। क्या करने के लिए यूज किया जाएगा? लोगों को पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में ले जाने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जो नाम रखा गया है सेफर्ड, वो अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री एलन सेफर्ड के नाम पर रखा गया है, न्यू सेफर्ड। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा टॉपिक जैव संवर्धन से संबंधित है। न्यूज में क्यों है, सबसे पहले ये देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जैव संवर्धित लगभग 17 ऐसे उत्पाद हैं उनको भारत को दे दिया गया, मतलब अब जैव संवर्धित जो उत्पाद हैं उसका उपयोग भारत के आम नागरिक करने वाले हैं। तो हम लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैव संवर्धन होता क्या है। इसे आप हमारे सिलेबस GS पेपर 3 के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़कर देख सकते हैं। सिलेबस में कुछ लिखा है, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी इत्यादि। देखिए, 2018, 2019 और 2020 तीन सालों से UPSC नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा केंद्रित है। 2020 में 11 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए, उनमें से 8 क्वेश्चन नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से थे। तो आप इस सेक्टर को अच्छे से तैयार करेंगे। अब जैसे ही ऐसे न्यूज़ में आएगा कुछ ऐसा टॉपिक तो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, लेकिन आप इसको, इसके बेसिक पोर्शन को आप करें। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप हमें इन्फॉर्म करें, हम कोशिश करेंगे कि आप तक इसकी जो भी जानकारियां हैं उसको आपको उपलब्ध कराया जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैव संवर्धन होता क्या है, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं
जिसको खाने से लोगों को अलग अलग विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, खनिज लवण मिलते हैं, वो है। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति चावल खा रहा है और वो धान के पौधे जिससे हम चावल प्राप्त कर रहे हैं उससे हम लोगों को 1% लोहा मिल रहा है, यानी कि हम अगर एक बार चावल खाते हैं तो उससे हम लोगों को 1% लोहा मिल रहा है, लेकिन हमारे बॉडी को कितना लोहा चाहिए? 5% चाहिए, मतलब 4% हम लोगों को कहीं और से ज़रूरत पड़ेगी। जो बहुत सारी औरतें होती हैं उनको आपने सुना होगा कि एनीमिया हो गया, यानी कि उनमें उनके शरीर में लोहे की कमी हो जाती है, तो इस वजह से उनको बहुत बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो 4% के लिए वो टैबलेट खाती हैं, लेकिन मान लेते हैं कि कुछ ऐसे तकनीकों का उपयोग करके जिस धान को हम खेती कर रहे हैं उस धान के पौधे में ही ऐसे कुछ विकसित कर दें ताकि वो पौधा जब उत्पाद देगा, जब चावल देगा, तो उस चावल में ही 5% लोहा हो, तो हमें टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हम पारंपरिक तरीका जो है, यानी कि धान उगाने का जो पारंपरिक तरीका है, पारंपरिक तरीके का उपयोग करके हम लोगों तक चावल उपलब्ध करा रहे हैं और जितने मात्रा में खनिज लवण, विटामिन इत्यादि चाहिए वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो उन इसी को ही कहा जाता है जैव संवर्धन। मतलब जो पारंपरिक विधि है पौधा उगाने की, कृषि का अभ्यास है, उन्हीं तकनीकों का उपयोग करके कुछ ऐसे खनिज तत्व या फिर विटामिन को उस पौधे में बढ़ाकर उत्पादित करने की कोशिश की जाती है, इसे ही कहा जाता है जैव संवर्धन। आई थिंक आपने समझ लिया। इसके माध्यम से कुछ ऐसे चीज़ों को जोड़ा जाता है जैसे कि प्रोटीन या फिर कैरोटेनोड्स, जिंक, लोहा, कुछ ऐसे विटामिन, खनिज तत्व इत्यादि को बढ़ाकर लोगों तक उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। तो आपने इसे समझ लिया, हम चलते हैं आगे। अब देखिए ये किस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए फसल संवर्धन करने के लिए जिन पौधों को चुना जाता है उसमें महत्वपूर्ण ये होता है कि ऐसे पौधों को चुना जाए जो वायरस इत्यादि जो जीवाणु होते हैं उनके प्रति पौधा ज़्यादा प्रतिरोधी होना चाहिए, सूखा सहिष्णुता हो, उच्च उपज देने वाला हो, उसका स्वाद कुछ ऐसा हो कि लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए। तो इस प्रकार के पौधों को चुना जाता है जब जैव संवर्धन किया जाना होता है। और कौन से वो तत्व होते हैं इसको हम लोगों ने देख लिया है। आपने अभी कुछ समय पहले सुना होगा कि विटामिन ए का जो चावल है वो अब बाजार में उतरने लगा है और लोगों को मिलने लगा है, जो PDS के माध्यम से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर महिलाओं को आयरन की कमी हो जाती है तो उनको विटामिन ए वाला, आयरन वाला ऐसे दिए जाते हैं, तो उनमें जिंक, आयरन इत्यादि कुछ होता है। इस प्रकार के तकनीक वाले जो पौधे होते हैं उनको विकसित करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग का भी उपयोग किया जा सकता है। आपने ये देखा होगा कि क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से जिन पौधों को विकसित किया गया उन पौधों से अब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगा है। यही वो वजह है जिनकी वजह से भारत आज खाद्य उत्पादन के सेक्टर में इतना आगे बढ़ गया है कि हमारे पास एक्सेस फूड लगभग हर क्षेत्र के बच जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी इससे संबंधित, आप इसे याद रखें। एक अन्य जानकारी जो डिफरेंस के रूप में है इसे आपको जानना है। एक होता है जैव संवर्धन, दूसरा होता है खाद्य संवर्धन। क्या होता है जैव संवर्धन? हमने अभी अभी देखा है। खाद्य संवर्धन ये होता है कि कोई भी सामान्य उत्पाद जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, हम इसे किनारे रखते हैं, हम ऐसे देखते हैं, कुछ फल हो गए या फिर कुछ ऐसे सब्जियां हो गई या तो घी हो गया, जब इनको पैकेजिंग किया जाता है उस पैकेजिंग के दौरान उन पर कुछ पोषक तत्व एक्स्ट्रा डाल दिए जाते हैं, कुछ खनिज लवण एक्स्ट्रा डाल दिए जाते हैं, कुछ विटामिन डाल दिए जाते हैं और उन उत्पादों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इसे कहा जाता है खाद्य संवर्धन। जो बच्चों को आंगनवाड़ी में भोजन उपलब्ध कराया जाता है, बहुत तरह तरह के जो उपलब्ध कराए जाते हैं, उनको जिस तरह से विकसित किया जाता है वो होता है खाद्य संवर्धन। तो आप इसे ध्यान रखेंगे।
खाद्य संवर्धन और इसके बीच में डिफरेंस। ठीक है, हम चलते हैं आगे। हमारे डिस्कशन का चौथा टॉपिक होलोग्राफी से संबंधित है। इसे भी आप जीएस पेपर 3 के अंतर्गत जोड़कर देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर से। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे न्यूज़ में आता रहेगा साइंस टेक्नोलॉजी से, मैं आपको बताता रहूँगा। अब क्या है देखिए, होलोग्राफी होता क्या है, किसी भी वस्तु या फिर बहुत छोटे अणु का यदि 3-dimensional यानी कि त्रिआयामी चित्र बनाया जाए तो उसे ही कहा जाता है होलोग्राफी। और इस प्रकार से जो चित्र निर्मित होगा उसको कहा जाता है होलोग्राम। समझ लिया, 3-dimensional पिक्चर बनाने का, फोटो बनाने का एक तकनीक है होलोग्राफी। अभी न्यूज़ में क्यों है मैं उसे आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले देखिए कि ये कैसे विकसित किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक मानव का चित्र बनाया जा रहा है, यहाँ पर वास्तविक मानव नहीं है, लेकिन यहाँ पर लेज़र बीम व्यतिकरण या फिर विवर्तन यानी कि इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन, इन तकनीकों का उपयोग करके फोटो इमेज पहचान चिन्ह बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यही है होलोग्राफी। किस किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, 3 चीज़ का उपयोग किया जाता है, एक तो लेज़र बीम, दूसरा व्यतिकरण और तीसरा विवर्तन। इन तीनों तकनीकों का उपयोग करके फोटो बनाने की कोशिश की जाती है, कुछ चिन्ह बनाने की कोशिश की जाती है, 3-dimensional यानी कि त्रिआयामी, तो उसे कहा जाता है होलोग्राफी। ठीक है, जब इसे निर्मित किया गया था 1971 में, तो उस टाइम पर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था किनको, डेनिस गबोर को। ये ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, तो इनको दिया गया था। अब अगर हम बात करें इसके अनुप्रयोग का, तो देखिए ध्यान से सुनेंगे, ये यूपीएससी का फेवरेट सेक्टर है, या तो प्रीलिम्स में पूछेगा या तो मेंस में पूछेगा। होलोग्राफिक छवि जो बनाई जाती है, जो इमेजेस बनाए जाते हैं, उसका उपयोग सैन्य मानचित्र के क्षेत्र में किया जा सकता है, सूचनाओं को भंडार करने के लिए किया जा सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा सकता है, धोखाधड़ी और सुरक्षा के क्षेत्र में बचाव के लिए किया जा सकता है, या फिर किसी को चौंकाने के लिए, धोखा देने के लिए भी किया जा सकता है, कला के क्षेत्र में किया जा सकता है, यानी कि सामरिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जा रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा रहा है, सुरक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है यानी कि सिक्योरिटी, और फिर लोगों को यानी कि संस्कृति के क्षेत्र में किया जा रहा है। अगर मैं कहूं कि ये इंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है तो आप क्या कहेंगे, मनोरंजन के लिए किया जाता है तो आप क्या कहेंगे, हाँ। अगर मैं कहूं कि इसका उपयोग कंप्यूटर या फिर कुछ ऐसे चीज़ें जो पहले थी अभी नहीं है, जैसे डायनासोर, तो इनको, इनका चित्र बनाने के लिए किया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, हाँ किया जाता है। तो ये साइंस का यूज़ कहाँ तक किया जाएगा कोई नहीं जानता है। तो इसलिए अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि होलोग्राफिक छवि का उपयोग कहाँ कहाँ है, इसका अनुप्रयोग कहाँ है, तो वो अनलिमिटेड है, ऑल ऑफ दीज करके आइएगा आप। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इससे थी। अगर हम बात करें कि अभी न्यूज़ में क्यों है, तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसी तकनीक का उपयोग करके एक ऐसे उपकरण का निर्माण किया है जिसके द्वारा वायरस और एंटीबॉडी दोनों का पता लगाया जा सकता है कि किसके शरीर में कितना वायरस का स्तर है और उसके शरीर में एंटीबॉडी कितनी बनी है, ये पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। अगर हम इसके एक अन्य महत्वपूर्ण बात को ध्यान दें, तो वो ये कि अगर ये परीक्षण पूरी तरह से सफल हो जाता है तो किसी भी चीज़ का 30 मिनट के अंदर अंदर पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति में संक्रमण का स्तर कितना है, सटीकता के साथ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। और इस तकनीक का उपयोग करने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। आपको भी यदि थोड़ा सा प्रशिक्षण दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इसका उपयोग करके मलेरिया का टेस्ट करें, टाइफाइड का टेस्ट करें, या फिर कोरोना वायरस का संक्रमण है नहीं है उसका टेस्ट करें, तो आप भी कर पाएंगे अगर ये पूर्ण रूप से सफल हो जाता है तो। चलिए, न्यूज़ में था, आप इसे ध्यान रखें। चलते हैं आगे। हमारे डिस्कशन का अगला टॉपिक FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बार, चाहे वो स्टेट PCS में पूछेगा, UPSC में पूछेगा 2021 में, लेकिन पूछेगा जरूर, ध्यान रखिए। अगर हम बात करें सबसे पहले सिलेबस का, तो इसे आप
जीएस पेपर 2 के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या फिर संस्थाएं से जोड़कर देख सकते हैं। इसके बारे में सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन कि इसकी स्थापना 1945 में 16 अक्टूबर को की गई थी, यानी कि कल के दिन में की गई थी। 75 साल पूरे हुए हैं अभी, ठीक है। इसका मुख्यालय रोम इटली में है, ये संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषीकृत यानी कि विशेष एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है पूरे विश्व में लोगों के भूख के स्तर को कम करना, लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऐसा माहौल बनाना, ऐसा वातावरण निर्मित करना जिससे हर व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध हो, जिसके वजह से वह व्यक्ति स्वस्थ हो सके और अपने जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक खुशी खुशी जी सके। और ये जो भोजन होंगे वो गुणवत्ता युक्त होने चाहिए। जैसे जब भारत आज़ाद हुआ हमारे पास खाद्य पदार्थ थे नहीं, 1969 तक हमारे पास खाद्य पदार्थ थे नहीं। हम मांगते थे अमेरिका से, भीख मांगते थे कि भाई हमें खाना दे दो, चावल दे दो। जो चावल और गेहूं वो देते थे ना, वो पकता ही नहीं था। आज हम कुकर में डालते हैं तो चावल पक जाता है, वो पकता नहीं था। तो वो बिना गुणवत्ता के थी, सिर्फ पेट भरने के लिए थी। लेकिन FAO का लक्ष्य ये है कि गुणवत्ता युक्त होने चाहिए, उसमें विटामिन मिनरल जो भी आवश्यकता है इंसान को वो उपलब्ध हो। इसी वजह से 2020 का नोबेल पुरस्कार भी शांति के क्षेत्र में दिया गया है FAO को, ठीक है। तो इस ये हम देखेंगे, लेकिन जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी इसे हमने देख लिया। इसके बारे में तीन महत्वपूर्ण जानकारियां जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले FAO के द्वारा खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी किया जाता है, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी, हर 2 वर्ष में एक बार वैश्विक वन स्थिति का प्रकाशन किया जाता है। और तीसरी जानकारी भारत से जुड़ी हुई है, अभी जब 75 वर्ष पूरा हुआ है, भारत सरकार के द्वारा इस अवसर पर नोटिफाई करने के लिए 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है, ठीक है। आप ये ध्यान रखें इन तीनों जानकारियों को। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जिसे आपको याद रखनी है वो ये कि भारत का रिश्ता बहुत पुराना रहा है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे हमारे पास खाने के लिए नहीं थे, बहुत बुरा स्थिति था, बार बार लगातार हर कुछ साल में सूखा पड़ रहा था। तो ये सब बहुत बुरा स्थिति था, कभी ये सब बात किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें भारत और FAO के बीच के संबंध का, तो डॉक्टर विनय रंजन सेन ये 1956 से लेकर 1967 के बीच में FAO के महानिदेशक थे, पहली जानकारी याद रखेंगे। 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है FAO के कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम को, दूसरी जानकारी। तीसरी, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है, ये मनाया जाएगा, ठीक है। और इन सारे कार्यक्रमों को किसके प्रस्ताव से किया गया है? भारत के प्रस्ताव से, और इसे FAO के द्वारा समर्थन दिया गया है। तो इन जानकारियों को आपको याद रखना है। हमारे डिस्कशन का 6th टॉपिक थैलेसीमिया से संबंधित है, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना अभी शुरू की गई है। सबसे पहले हम ये देखते हैं थैलेसीमिया होती क्या है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारे सिलेबस में कहाँ आता है। तो GS पेपर 2 के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा और मानव संसाधन इत्यादि टॉपिक नंबर 13 आप इसे देख सकते हैं, तो उससे जोड़कर आप इसे देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि थैलेसीमिया क्या होता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त है, उस रक्त में, उस ब्लड में रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, ये देखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं, आप इसे देख सकते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति के शरीर में जो हेमोग्लोबिन है, उस हेमोग्लोबिन का स्तर और विशेष रूप से जो रेड ब्लड सेल हैं, उस रेड ब्लड सेल में उसका स्ट्रक्चर यदि चेंज हो जाए, ये जो आप देख रहे हैं नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड है जिसमें रेड ब्लड सेल हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का को एनीमिया, किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया की बीमारी है, तो उसके रेड ब्लड सेल को आप देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, अलग प्रकार का हो गया है। तो ये एक अनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों को मिलता है। इसका इलाज
बहुत मुश्किल है, वर्तमान में बहुत मुश्किल है। इलाज ऐसा नहीं है कि नहीं है, है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, महंगा है। तो ऐसी बीमारी जो रक्त की है, अनुवांशिक रूप से मिलती है, यदि किसी व्यक्ति के लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाए और उसका जो रेड ब्लड सेल है वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो उसी बीमारी को कहा जाता है थैलेसीमिया। ठीक है, अगर केवल रक्त कमी हो जाएगा इन सारे वजहों से तो हम उसे एनीमिया कहेंगे, लेकिन यदि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो उसे हम कहेंगे थैलेसीमिया। ये आपने जान लिया। भारत को पूरी दुनिया में थैलेसीमिया की राजधानी कही जाती है, इतने लोग पीड़ित हैं यहाँ पर। ठीक, जिन लोगों को ये बीमारी होती है उन लोगों को हर कुछ सप्ताह के बाद, 2-3 सप्ताह के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है, मतलब उनका ब्लड को चेंज कराते रहना पड़ता है। तो ये बहुत खतरनाक होती है, बहुत महंगा होता है और लोग कराते हैं, जिंदा हैं। अभी क्या हुआ है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे संस्करण का शुरुआत किया गया। इसका पहला संस्करण 2017 में हुआ था और दूसरा संस्करण अभी शुरू किया गया, इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि थैलेसीमिया बाल सेवा योजना क्या है। फ्रेंड्स, इस योजना को शुरू किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इस योजना को शुरू किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किसके सहयोग, किसके अंतर्गत ये किया गया है? CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत। आप जानते हैं कि भारत की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तय किए गए हैं कि आप समाज के लिए कुछ करें, आपका ये दायित्व है। आप समाज से पैसे कमा रहे हैं तो समाज को आप कुछ रिटर्न करें, तो इस प्रकार के दायित्व की शुरुआत की गई है भारत में। दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर ये CSR का प्रावधान कानूनी रूप से लागू है। ठीक है, ये जो कार्यक्रम की गई है, शुरुआत की गई है, उसका वित्त पोषण जो है वो हेमोटोपो एटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कार्यक्रम के अंतर्गत की गई है। ये इतना जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है कोल इंडिया लिमिटेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंतर्गत की गई है। ठीक, इसका उद्देश्य ये है कि जिन लोगों को भी थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल बीमारी है, जिसकी वजह से उनके शरीर में हेमोग्लोबिन का जो स्तर है वो कम हो जाता है, तो उन रोगियों को कम से कम उसके जीवन काल में एक बार इलाज कराने का मौका मिले। कम से कम एक बार इलाज अगर संभव हो पाया, खर्चीला, महंगा है, खर्च हो जाता है तो बहुत लोग नहीं करा पाते हैं, तो उनको कम से कम एक बार मौका जरूर मिले। तो इसलिए ये है, तो इसे आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का अगला टॉपिक जो है वो स्टार परियोजना से संबंधित है। इसे आप हमारे GS पेपर 2 के अंतर्गत शिक्षा से जोड़कर देख सकते हैं, ये भी टॉपिक नंबर 13, इसे आप जाकर देख लेंगे। अगर हम बात करें स्टार का, तो स्टार जो नाम है स्टेट PCS में पूछा जा सकता है, वो जो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है, फुल फॉर्म बताइए, तो आप याद रखेंगे स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है स्टार का। ठीक, अब हम देखते हैं ये कार्यक्रम है क्या, क्या किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम को भारत में विश्व बैंक के सहयोग के साथ एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखेंगे, विश्व बैंक के सहयोग के साथ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू की गई है। वर्तमान में इसे केवल 6 राज्यों में लागू किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। अभी वर्तमान में इन्हीं में लागू किया जा रहा है, पूरे भारत में लागू नहीं किया जा रहा है। क्या किया जाएगा इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत जो भारत के 6 राज्य हैं वहाँ स्कूलों के शिक्षा के गुणवत्ता को सुधार करने, शिक्षा में सुधार करने के लिए शुरू किया गया है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आपने देखा होगा कि जो प्रथम नाम करके NGO है उसके द्वारा जब रिपोर्ट जारी की जाती है कि भारत में शिक्षा का स्तर क्या है, तो उसमें रिपोर्ट ये आता है कि जो 5वीं कक्षा का छात्र है वो 1ली कक्षा के मैथ को सोल्व करने में सक्षम नहीं है, या फिर 2री कक्षा का जो हिंदी है उसे वो पढ़ने में सक्षम नहीं है, इस प्रकार के बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं। ऐसा क्यों होता है?
बहुत सारे कारण हो सकते हैं, शिक्षकों का जो कमी है वो, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, या फिर बच्चों को सिर्फ रटवाया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये हमारे मेंस में होंगे, लेकिन प्रीलिम्स में जो जानकारी आपको याद रखनी थी वो यही। इससे बहुत कुछ बदलेगा, अगर इस कार्यक्रम को भी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो बहुत कुछ बदलेगा। 100% बदलाव आ जाएगा ऐसा तो नहीं ही कहा जा सकता, लेकिन बदलाव जरूर होगा। तो इन सब कार्यक्रमों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले वो ये है कि आकस्मिक आपातकालीन प्रतिक्रिया घटक यानी कि CERC, ये क्या है? ये स्टार्ट परियोजना में राष्ट्र घटक के तहत शामिल किया गया है। किसे? CERC को। इसमें क्या किया जाएगा कि यदि प्राकृतिक, मानव निर्मित या फिर स्वास्थ्य आपदा के कारण कुछ ऐसे वातावरण निर्मित हो जाते हैं जिससे बच्चे शिक्षा के प्राप्ति से थोड़े दूर हो जाते हैं, तो उस दौर में कैसे तकनीकी माध्यम से लोगों तक यानी कि बच्चों तक शिक्षा पहुंचाया जाए, उसे सुनिश्चित करने का कार्य करेगा। अभी आप जान रहे हैं कोरोना वायरस का जब से संक्रमण शुरू हुआ तब से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। ऐसे किसी को भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं दिल्ली में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं, अभी जानता हूं कि दिल्ली में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी वही हालत है जो गांव में जो बच्चे हैं उनका हालत है। तो हालत तो दोनों का खराब है, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो, सारे बच्चे परेशान हैं। लेकिन शहर के बच्चे कम से कम पढ़ तो रहे हैं, ऑनलाइन कम से कम देख तो रहे हैं, कम से कम सुन तो रहे हैं, कुछ तो उनके दिमाग में जा रहा है। 100% में 2% तो जा रहा है। गांव में तो टावर ही नहीं है, टावर है तो उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, कहां से पढ़ेंगे वो? यहां तक कि टीचरों के पास भी नॉलेज नहीं है कि पढ़ाएं कैसे बच्चों को। मेरा एक अभी टीचर से बात हुआ था, उनका कहना है कि हम बना रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए, और उन नोट्स को फोटोकॉपी करके बच्चों को भेज रहे हैं। वो आते हैं सप्ताह में एक बार और फोटोकॉपी को लेके जाते हैं। ये गांव में 10th क्लास के बच्चों का हालत है, छोटे बच्चों का क्या? March 23rd से लेकर आज अक्टूबर, 6-7 महीने खत्म, कुछ नहीं मिला। इस कमी को कौन पूरा करेगा? तो इसी कमी को पूरा करने के लिए आकस्मिकता आपातकालीन प्रतिक्रिया घटक का निर्माण किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि क्या है। इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द है जिसे आपको याद रखना है, वो ये परख। इसका भी फुल फॉर्म है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख। ये क्या है? ये परियोजना जो है उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय आकलन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। मतलब आकलन केंद्र के रूप में मतलब क्या? देखिए, सर्व शिक्षा अभियान लागू कर दिया गया, राज्यों को पैसे आवंटित कर दिए गए, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है, मतलब 10th क्लास के बच्चों को कौन सी चीज़ें जाननी चाहिए, 8वीं कक्षा के बच्चों को कौन से प्रैक्टिकल आने चाहिए, वो जो दायरा, वो जो मानक तय किया जाता है वो राज्य सरकार तय करती है। और यही वो वजह होता है कि बिहार के छात्र जो हरियाणा के छात्र हैं उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है, केरल के छात्र और जम्मू कश्मीर के जो छात्र हैं उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि केरल की सरकार अपने हिसाब से मानक तय कर रही है और जम्मू कश्मीर की सरकार अपने हिसाब से मानक तय कर रही है। तो इस कमी को दूर करने के लिए परख नाम करके एक आकलन, राष्ट्रीय आकलन केंद्र होगा जो मानक तय करेगा कि सारे राज्यों में जो मानक हैं वो क्या होंगे, कौन से वो मानक हैं जो बच्चों को 10th क्लास पहुंचते पहुंचते जानना ही चाहिए, कौन से प्रैक्टिकल हैं जिनको जानना ही चाहिए, ये तय करेगा परख। तो आप इसे ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये आई थिंक लास्ट था, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।